कि आज हमारी सीएलपी की मीटिंग थी और जिसमें हमने यूनानिमसली ये तय पाया कि सेंट्रल लीडरशिप को हम इख्तियार देते हैं कि वो हमारा सीएलपी लीडर चुने, और उसके वास्ते हमने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड दैट हैज बीन फॉरवर्डेड टू अवर सेंट्रल लीडरशिप फॉर टेकिंग द कॉल। तो सीएलपी लीडर कौन होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, उसका फैसला हमारी सेंट्रल लीडरशिप करेगी। उसके अलावा हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मौजूदा जो सरकार बनने वाली है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी तरफ से सपोर्ट एक्सटेंड किया है, वो डॉक्यूमेंट भी हमने बनाया है, और कुछ देर में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाके वो उनके सामने सबमिट करेंगे। ये दो डॉक्यूमेंट्स थे जो आज हमने तय पाए, और उसका एक डॉक्यूमेंट दिल्ली जाएगा और एक डॉक्यूमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत के पास जाएगा। दैट इज व्हाट वी डिड टुडे। देर इज नो डिफरेंस एट ऑल, देर इज अ प्रेसिडेंस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो वहां से चुनते हैं, हमें हमने उस चीज के वास्ते उनको इख्तियार दिया है। जी जो उनका तरीके कार है वो उन्होंने अडॉप्ट किया। Kindly don't try to read in between, more in between the lines. BJP bhi karti hai meeting, but unke to se wahan meeting mein. Any more questions? Kara sahab. Dekhiye, hamari koi demand aisi nahi hai. Hum India Alliance ka spirit barqarar rakhte hue, madhyanazar rakhte hue, ek bade cause ke liye. For the people of Jammu and Kashmir, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। इसमें कोई डिमांड एज सच इस वक्त ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं है जिसमें डिमांड्स पुट अप की जाती। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो है आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। करा साहब, आप लिंगर क्यों कर रहे हैं सीएलपी लीडर चुनना, ताकि चीफ मिनिस्टर जल्दी बनिए, गवर्नमेंट जल्दी। शायद आज बहुत देर के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद सीएलपी की ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देखने को मिल रही है। अदरवाइज ये कोई, दिस इज नथिंग एबनॉर्मल हैपनिंग इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस इज नॉट एक्सटेंशन। आई हैव कम राइट नाउ फ्रॉम दिल्ली और अभी अपने साथियों के साथ में बैठ के ये डिसाइड किया। नथिंग टू लिंगर अपॉन। मैं एज पीसीसी चीफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, आई हैड टू इन्फॉर्म माई लीडरशिप देयर अबाउट द हैपनिंग्स, और अभी आके वो सारा कर दिया तो लिंगर कहाँ पे हो रहा है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेंथ है वो 49 तक चली गई। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी ने भी सपोर्ट जो है दिया। आपको लग रहा है कि उनको अभी भी कांग्रेस की जरूरत है, और जो पावर शेयरिंग फार्मूला है कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ क्लियर किया गया है? द स्पिरिट ऑफ दिस अलायंस इज मच हायर देन द नंबर गेम। द स्पिरिट इज डिफरेंट, इट इज पैन इंडिया स्पिरिट। इट इज नॉट दैट वी इन जम्मू एंड कश्मीर, इट वॉज confined to Jammu and Kashmir. It has utility for the entire India. मैंने पहले ही कहा कि Indian Alliance का spirit बदस्तूर रखते हुए, बरकरार रखते हुए हमने ये कदम उठाया है, और ये number game का नहीं, मामला नहीं है। ये ministerial berth का मामला नहीं है जिसको आप ये समझ रहे हैं। ये एक higher spirit के तहत है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही varied किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनैनिमिटी की बहुत जरूरी है।
आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी की जरूरी है, जरूरियत है। आप सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। आप मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो उनका नाम सामने आया, देखिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लीडर चुन लिया तो हम उसमें क्यों कमेंट करें और क्या कमेंट करें? वो एक्सेप्टेबल है, हमें क्यों नहीं है एक्सेप्टेबल? इट इज देयर चॉइस। हमने बता दिया कि ये किसी कोई हमारी डिमांड, अभी तक हमने कोई उनके साथ बात नहीं की। हमारी बात उनसे गवर्नेंस मॉडल पे होगी, जब वो बात होगी तब ये बातें उठ के आएंगे। You are going to assembly which was the different of what was prior to 2019. How do you see those promises and commitments? You have made in the manifesto getting fulfilled in a dissolved power board assembly, and is there any consensus we were aligned on the common minimum program? Because people have voted, it was a resentment against, because you, I think you people are not taking my point that at the moment we have not discussed anything formally with National Conference. हमने वहां जाके जिस वक्त हम लेटर ऑफ सपोर्ट उनको पेश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ हैज सेड कि उसके बाद हम अलायंस पार्टनर के साथ में बैठ के, द मोमेंट वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग फॉर्मली विद नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमने वहां जाके जिस वक्त हम लेटर ऑफ सपोर्ट उनको पेश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ हैज सेड कि उसके बाद हम अलायंस पार्टनर के साथ में बैठ के बाकी गवर्नेंस मॉडल को आगे चलाएंगे। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट। हाउ मेनी बर्थस आर यू सीकिंग इन द कैबिनेट? आई सेड नो सच डिमांड, नो सच कंडीशन। आप लोग फिर से उसी बात पे आ रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास जिस वक्त जाएंगे लेटर ऑफ सपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद में बातचीत जो है फॉर्मल डिस्कशन ऑफ द गवर्नेंस शुरू होगा। बिल्कुल, मैं आज जाके लेटर ऑफ सपोर्ट उनको हम सबमिट करेंगे, अलायंस की डिस्कशन कब होंगी वो हम म्यूचुअली बैठ के वो टाइम डिसाइड करेंगे। योर अलायंस पार्टनर मिस्टर उमर अब्दुल्ला, सॉरी, दिस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द स्प्लिट ऑफ इंडिया अलायंस, वी आल्सो हर्ड दैट इन द मॉर्निंग और यस्टरडे फारूक अब्दुल्ला आल्सो स्पोक विद राहुल गांधी, सो इट्स अ इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ राहुल गांधी आल्सो कमिंग हियर। हाउ इंपॉर्टेंट वाज द डिस्कशन टू फॉर मेकिंग दिस फॉर्मल अबाउट द फर्स्ट ईयर ऑफ सपोर्ट दैट यू आर एक्सटेंडिंग? सी, आई हैव बीन टेलिंग इट दैट आवर स्ट्रगल against BJP, our fight against BJP is not for smaller things. It has a very big spectrum where we have to be together, aur usko hum in choti choti cheezon se vitiate nahi kar sakte. Hamara maqsad kuch aur hai, hamara maqsad bada hai. Ye numbers ka mamla nahi hai ki national conference ke paas zyada numbers hain aur hamare paas kam numbers hain. Parliament mein agar hum dekhe to नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारा मकसद कुछ और है जिसके वास्ते 24 पार्टीज इकट्ठी हुई। द स्पिरिट इज टू फाइट आउट दिस मेनेस ऑफ बीजेपी। उनका जो जो ये डिविजनरी पॉलिटिक्स है, उनका जो ये हेट पॉलिटिक्स है, उसको मुल्क से कैसे खत्म किया जाए, उसमें हम लोगों ने देखना है कि हम इकट्ठे कैसे रहे। जम्मू में आप एक सीट जीत पाए, 29 सीट, आपने उसका आकलन किया, आपको इंटरेस्ट का किया? हर चीज का अपना टाइम होगा, उसका हम कर लेंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ओवरलैपिंगली चार दिन पांच दिन में सब कुछ तय हो जाए? सरकार गठित होके जल्द से जल्द वो जल्द से जल्द होगी। अभी इस वक्त का जो स्टेज है वो हमारा लेटर ऑफ सपोर्ट का स्टेज है, उसके बाद में फिर अलायंस पार्टनर्स का डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, एंड एज सून एज पॉसिबल वी विल गो टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। योर अलायंस पार्टनर, योर अलायंस पार्टनर के लीडर्स के स्टेटमेंट आए, दे आर नॉट इंप्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि यहां पर एनसी के साथ अलायंस करके किसी तरीके से कुछ बोलूं,
कॉन्ट्रैक्ट सतीश शर्मा पे क्या, क्योंकि आप चाहते हैं उसको वापस आए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको बोला है कि आपको हम मिनिस्टर बनाएंगे, आपको लगता है कि एक गलत नीति जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल वी डिड नॉट अप्रोच एनी डिफेक्टर एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अगर आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले डीपीएपी की एक बड़ी तादाद हमारे साथ आने को तैयार थी, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल दे वर डिफेक्टर्स, वी डिड नॉट एंटरटेन देम। ऑन द सेम एनालॉजी वेयर द पीपल हु हैव कंटेस्टेड इलेक्शन एज डिफेक्टर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, वी डिड नॉट अप्रोच देम। दैट इज द रीजन व्हाट यू आर सेइंग इज समथिंग डिफरेंट व्हाट यू आर व्हाट एक्चुअली इज।